<ुक्या> मेरा सवाल ये है कि क्या इस्लाम में जानवरों का शिकार करने की इजाज़त है क्योंकि आजू सला जानवरों के साथ बहुत रहम और अच्छे से पेश आते थे बिल्कुल शिकार करने की इजाज़त है कुरान शरीफ में भी लिखा हुआ है शिकार करने की इजाज़त है ठीक है इस्लाम में तो शरीफ में भी लिखा हुआ है कि शिकार की इजाज़त है और इसलिए हज के मौक़े पर जाते हुए भी ज़मीनी शिकार की करने की इजाज़त नहीं है सिर्फ समुद्री खाना तुम खा सकते हो शिकार कर सकते हो उन दिनों में जिन दिनों में आज के लिए जो लोग इससे इस निकलते हैं इन दिनों में बाक़ी यह है कि यह भी है कि शिकार के ऊपर जब तुम जिस चीज़ से शिकार कर रहे हो उस हथियार तुम बस्मिल्ला पढ़ के शिकार पे तरफ फेंको और अगर शिकार मर जाता है तो वो जायद और हलाल हो जाता है उसको अगर जख्मी हो रहा है तो फौरी तौर तो पर पकड़ के उसको बा कर लो ताकि तक, तकलीफ ना हो तो शिकार तो जायज़ है शिकार किया करते थे जानवर व तो मेहरबान थे आलम तो हम गाय और बकरी और ऊँट वगैरह भी तो बा करते हैं खाने के लिए तो वो भी तो जानवर ही हैं ना सिर्फ वाइल्ड लाइफ पर क्यों तुम्हारा ज़ोर है इतना ज़्यादा तो वाइल्ड लाइफ कंजरवेशन के ज़्यादा वो लगते हो हमायती लेकिन जानवरों का शिकार जायज़ है लेकिन हर जानवर जो है हलाल नहीं है ये देखने वाला जो हलाल जानवर हैं वो जायज़ हैं और बाज जानवर परिंदे हैं मसलन उनका शिकार भी जायज़ है फैजेंट है तीतर है बटेर है इनके शिकार जायज़ हैं एक दफा खलीफा उस, उस, सानी एक छोटा सा परिंदा शिकार करके लाए गलम तोता था या क्या था या उस तरह की चीज़ तो मसलन फ़रमाया कि गो इसको खाना हराम नहीं है लेकिन हर जो परिंदा और जानवर होता है उसका शिकार भी ठीक नहीं है ठीक है कुछ खूबसूरती के लिए भी होते हैं उनको देखते रहना चाहिए ठीक है इसलिए बड़े जानवर जहाँ तक हला हिरन है या न, और इस तरह के जानवर हैं उनको शिकार जायज़ है ये परिंदे हैं फेजेंट है तीतर है पाट्रीज वगैरह जायज़ हैं लेकिन ऐसी चीज़ें जो ख़ूबसूरत चिड़ियाँ वगैरह हैं परिंदे हैं तोते हैं इस किस्म के शिकार जायज़ नहीं है जायज़ हों भी तो उनको उनसे बचना चाहिए करने से ठीक है बाक़ी इस्लाम में बिल्कुल जायज़ है जानवरों का शिकार लेकिन उसको तकलीफ़ ना दो ऐसे हथियार से मारो कि जल्दी मर जाए ठीक है जी, 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 जी,